अमन वहाँ पे मेरा रिंग लाइट कर रहा है सेटिंग, और इधर मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। तो आज हमने रात का डिनर स्किप कर दिया है। अमन खा पी रहे हैं बनाना शेक, बनाना जूस बोलने वाली मैं बनाना शेक पी रहे हैं, और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। तो आज हमने डिनर स्किप कर दिया, अमन ने भी बोला है खाने का मन नहीं कुछ भी, और मैंने सोचा अमन के साथ ब्लॉग बना लूँ। हम जैसे गरीब के ब्लॉग में तो आते नहीं हैं, अकेले ही ब्लॉग बनाना पड़ता है, दिखते ही नहीं है हमारे ब्लॉग में। हम बड़े लोग हैं ना, इसीलिए वही तो बोल रहे हो, आप बड़े लोग हैं इसलिए तो दिखते नहीं हो मेरे ब्लॉग में, बिजी रहते हो। और अब ये क्या देख रहे हो आप? ये मेरे फ्रेंड का, ये इसका ब्लॉग है, वो है चैनल है इनका स्मार्टी, क्या था, रामेट्स, ये उनका है, वो देख रहे हैं आप। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये इनका चैनल है, आप देख, स्मार्टी रोमेट्स नाम है चैनल का, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इनको भी सपोर्ट करो और मुझे भी करो साथ साथ में। ये लोग भी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत मतलब टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग में जुटे हुए हैं, गान एल्बम भी डालते हैं सॉन्ग की ये लोग, तो देखा करो आप लोग भी, सपोर्ट करो। तो ये इनका जो व्लॉग है वो देख रहे हैं हम। तो आज व्लॉग, इन्होंने व्लॉगिंग मतलब डेली व्लॉगिंग आज से स्टार्ट की है, बाकी ऐसे ही डालते थे एल्बम्स वगैरह। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते आप सबको। तो आज है नेक्स्ट डे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल AM व्लॉग्स। मैंने बहुत लेट व्लॉगिंग शुरू की है, मतलब लेट इतना भी नहीं, 10:30 हो गए अभी, क्योंकि आज सुबह उठने के बाद मुझे मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ना फ़ोन हाथ में लेने का ना व्लॉगिंग करने का, लेकिन अब थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है, अभी चाय बना रही हूँ, और लंच का भी मैंने सोचा तैयारी कर ही लूँ, सब्जी काट लूँ, तो ये सब मैं अभी ले जाऊंगी अपने बेडरूम में, वहीं पे काटूंगी, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े थक जाती हूँ काट काट के मैं। सो अभी लंच बना रही हूँ मैं, लंच के लिए मैंने यहाँ पे सब्जी ली है, आलू, गाजर, मटर और फलिया जिसको बीन्स बीन्स भी बोलते हैं, और इधर लिया है मैंने टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने एक साथ ही पेस्ट बना लिया है। अभी कुकर में मैंने तेल डाला था गरम होने के लिए, तो इसमें मैं डालूंगी जीरा, और थोड़ी सी पाव भाजी मसाला, अब इसमें डाल दूंगी मैं सब्जियां। मैं नमक भी ऐड कर लूंगी मैं, और बस थोड़ी देर इसको भून के फिर विसल देना है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया है बटर, मक्खन, क्योंकि ये सारी सब्जी मक्खन से ही बनेगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लूंगी थोड़ी से लाल होने तक। तो प्याज थोड़ी से लाल हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च, नमक थोड़ी सी क्योंकि मैंने सब्जी में पहले नमक डाली हुई है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और साथ ही यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रही हूँ
लहसुन और अदरक और जो मिर्ची के पेस्ट बनाए थे वो, और साथ में ही अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो इसको अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर गल नहीं जाते। तो यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ कसूरी मेथी और पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पे मेरी कुकर में डाली हुई सब्जी अच्छे से हो चुकी है, गल चुकी है। अभी मैंने जो तड़का बनाया है उस पर अभी सब्जी मैं ऐड कर लूँगी। और सब्जी को डालने के बाद आप लोग जितना हो सके उतना ही उसको मैश करो अच्छे से, तो तभी पाव भाजी का जो भाजी होता है तभी उसका स्वाद आता है। तो अच्छे से मैश करना है अभी इसको। तो देखिए आप लोग मेरी सब्जी कितनी अच्छे से मैश हो चुकी है अभी। तो मैंने दूसरा गैस ऑन कर लिया है, वहाँ पे लिया है एक चम्मच और उसमें डालूँगी मैं अभी मक्खन, क्योंकि ये सारी जो पाव भाजी का मसाला है, पाव भाजी है, सारे मक्खन से ही सारी टेस्ट आती है। और मक्खन में डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और फिर सब्जी में डाल दीजिए। सब्जी को मैंने दम पे रखी थी थोड़ी सी, और मैंने सोचा कि इसी टाइम पे मैं थोड़ी सी फ्रिज की भी सफाई कर लूँ। जो हमारी पाव भाजी की भाजी है वो रेडी हो चुकी है, और अभी मैं पाव रेडी करूँगी, क्योंकि अमन का अभी भी कॉल आया कि अब आ रहे हैं अमन, तो गर्मा गर्म मैं सर्व करूँगी, तो इसलिए मैं पाव रेडी कर लेती हूँ अभी। तो मक्खन के साथ साथ थोड़ी सी पाव भाजी का जो ऊपर का मसाला होता है वो मिक्स करके पाव को गर्म करने से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अभी इनमें से एक पीस नहीं बचेगा मेरे।
सच्ची में आज पाव भाजी बहुत ही यम बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग भी मैंने जैसे बनाए हैं वैसे ही फॉलो करके बनाओ तो आप लोगों का भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। और हमने प्याज भी लिया था साथ में खाने के लिए, तो बहुत ही यम लगी खा के। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, फिर ब्लॉगिंग करती हूँ। हे एवरीवन, मेरी बिंदी कहाँ पे लगी हुई है देख। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, अभी अभी उठी हूँ और अभी चाय पी लेती हूँ। थोड़ी सी पहले लाइट ऑन कर लूँ मैं। जब अमन आए थे दोपहर को तो तब से अमन ये टूटी ऐसे खोल के गए हैं। मैंने भी चेक नहीं किया, मैं सो गई थी दोपहर को, मैं सिर्फ आई नहीं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा कितना पानी जमा हो गया, ये एरिया पूरा पानी हो गया है। ये देखिए डोरमेट पूरा पानी में भीग चुकी है। तो मुझे इतनी ज़ोर से स्लिप हुई मैं यहाँ पे, लाइट नहीं जगी थी तब से। अभी मैं सो के उठी हूँ तो मैं यहाँ पे गिरने वाली थी आज। दोपहर को अमन 2 बजे गया है घर से, तो अभी 6 बजने वाले हैं। तो सोचिए मेरी टैंकी खाली हो गई होगी ऊपर। तो गौर से देखिए इस इंसान को, जिन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे खरीदने की कोशिश की है। खरीद लिया मुझे, खरीद लिया है पिज्जा लाके, ताकि मैं इनकी गलती को भूल जाऊं जो आज गलती करके गए थे पानी वानी गिरा के। पानी वैसे ठीक है, नैपकिन पानी तो वैसे लीकेज होती नहीं है सिंक में, अगर पानी टूटी छोड़ के चले जाए तो, लेकिन हमारी नीचे से ना लीकेज है थोड़ी सी, तो इसलिए पानी सारे बह गए थे, थोड़े बहुत बाथरूम की तरफ भी आ गए थे, तो मैं बच गई यार। और आज मेरा दिन ही ख़राब है, जब बाहर में बैठी थी तभी भी मुझे बॉल लग गई थी आज पाँव में, तो वो भी मुझे अभी दर्द हो रही है, दिन ही ख़राब पूरा। मैं मतलब बच ही गई आज किसी तरह से। तो चलिए फिर हम इन्जॉय करते हैं पिज़्ज़ा। तो ब्लॉग की एंड करती हूँ मैं अभी। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।